हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? इन दिनों हम सभी का प्रशिक्षण चल रहा है और मैं इतना जानता हूं कि ये जो प्रशिक्षण है ऑनलाइन चल रहा है और इतना बोरिंग है, इतना बोरियत भरा है कि इस प्रशिक्षण में जो है कोई भी चीज़ सही से ना तो समझ में आ रही है, ना सही से बताया जा रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि अभी हमारा जो विभाग है, हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, वो ICT का सही ढंग से प्रयोग करना सीख नहीं पाए हैं और ऐसे में हमारे ऊपर ऐसी ऑनलाइन ICT आधारित प्रशिक्षण लाद दिया गया है जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ शिक्षण योजनाएं लेकर आया हूं और ये सभी शिक्षण योजनाएं आधारित हैं गणित विषय पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों में गणित की जो पुस्तक प्राइमरी विद्यालयों में चलती है उसका नाम है गिनतारा। तो गिनतारा कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षण योजनाएं बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यद्यपि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही व्यस्तता भरा दिन था, क्योंकि आज मेरा प्रशिक्षण भी था गूगल मीट पर, मैंने उसको भी कंप्लीट किया और मैंने आप सभी के जो है ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने शिक्षण योजनाओं का निर्माण भी किया। तो आइए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आप शिक्षण योजनाएं किस प्रकार तैयार करेंगे। हाँ, तो दोस्तों, ये आपके सामने प्रस्तुत है गतिविधि एवं लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना कक्षा 1 व 2। ये शिक्षण योजना मैंने दोनों क्लास के लिए एक साथ बनाया है और इसका जो टॉपिक है, शीर्षक है, संख्याएं और संख्या पद्धति। हम कक्षा 1 और 2 में किस प्रकार बच्चों को संख्याएं और संख्या पद्धति के बारे में जानकारी देंगे, इसी पर आधारित है हमारी यह शिक्षण योजना। मैंने इसके लिए लर्निंग आउटकम्स यानी अपेक्षित दक्षताओं का चुनाव किया है। इस योजना के माध्यम से हम बच्चों में क्या विकसित करना चाहते हैं, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, बच्चे दी गई वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं, बच्चे समान संख्या में रखी वस्तु वाले चित्रों के बीच मिलान कर लेते हैं, बच्चे किसी जगह व्यक्ति घटना प्रक्रिया दृश्य चित्र का वर्णन संख्या का उपयोग करते हुए करते हैं। तो मैंने इस जो है शिक्षण योजना में 4 लर्निंग आउटकम्स ले रखे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे इस शिक्षण योजना को संपादित किया जाए कि ये चारों लर्निंग आउटकम्स बच्चों में विकसित हो जाए। और जैसा कि मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि ये शिक्षण योजना ERAC पर आधारित है। ERAC पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन एंड C फॉर कंसोलिडेशन, यानी अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग एवं निष्कर्ष, ये 4 पॉइंट हैं। और दूसरा ये है, अगर गणित की शिक्षण योजना आप बना रहे हैं तो उसमें ELPS भी नज़र आना चाहिए। ELPS क्या है? E फॉर एक्सपीरियंस अनुभव, L फॉर लैंग्वेज यानी भाषा, P फॉर पिक्चर्स तस्वीर एंड S फॉर सिंबल यानी संकेत। अगर आप गणित का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके चारों चरणों में ये भी आना चाहिए। पहली बात तो आपकी शिक्षण योजना ERAC पर आधारित हो, दूसरी बात गणित की शिक्षण योजना
ELPS पर भी आधारित हो, यानी चारों चरणों में ये दोनों चीज़ें नज़र आनी चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं। नंबर वन है एक्सपीरियंस, अनुभव। बच्चों द्वारा कंकड़ों की ढेरी इकट्ठा करवा लूँगा, हर बच्चा 10-15 कंकड़ लाएगा। इस बीच मैं कुछ चिट तैयार कर लूँगा, हर चिट पर छोटा बड़ा हल्का भारी लंबा पतला इत्यादि में से एक शब्द लिखा होगा। हर बच्चा अब अपने आगे अपने कंकड़ों की ढेरी रख लेगा। मेरे कहने पर बच्चा कोई एक कंकड़ निकाल लेगा, फिर मैं एक चिट निकाल लूँगा और उस पर लिखा शब्द पढ़ूँगा, जैसे भारी। अब सभी बच्चे अपनी ढेरी में से वह कंकड़ निकालेंगे जो पहले निकाले गए कंकड़ से भारी हों। इसके लिए मैंने समय डिसाइड किया है 10 मिनट। बैठक व्यवस्था है एकल, यानी एक एक बच्चे के साथ यह हमें करना है। पॉइंट टू है रिफ्लेक्शन, यानी चिंतन। बच्चों से सवाल या समूह में होगा। मैं यह प्रश्न समूह में पूछूंगा, क्या हर बार निर्देशानुसार कंकड़ मिले? क्या हर बार निकाले गए कंकड़ों की गिनती एक समान थी? कैसे जाना कि कोई कंकड़ दूसरे से बड़ा हल्का या भारी है? हर बार कंकड़ ढूंढने में कितना समय लगा? अगर तेज़ी से करना हो तो क्या करोगे? यानी इस तरह के प्रश्न मैं करूँगा ताकि बच्चों के अंदर रिफ्लेक्शन आ सके, चिंतन आ सके। इसके लिए समय मैंने लिया है 10 मिनट और बच्चों का जो समूह बनाया है वो है छोटा समूह। फिर आता है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अभी जो बातें मैंने ऊपर किया, एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन ऐड हो गया, अब बच्चे अनुप्रयोग करेंगे। पहले की गई गतिविधि को एक बार फिर दोहराया जाएगा। इस बार यह कार्य कक्षा में मौजूद चित्रों या पाठ्य पुस्तक में बने किसी संदर्भ चित्र के साथ करवाएंगे और इसके लिए 10 मिनट का टाइम है और समूह जो होगा वो एकल होगा। फिर आता है लास्ट जो है इसका, कंसोलिडेशन, निष्कर्ष या समेकन। क्या दूसरी बार खेल खेलने में पहले से आसानी हुई? ऐसा क्यों हुआ? क्या समूह ने अपनी ढेरी को किसी रूप या क्रम में जमाया? यही खेल प्रतीकों के माध्यम से करवाऊंगा। तो ये रहा जो है आपका आखिरी चरण और इसके लिए 10 मिनट है और इसको पूरी कक्षा के साथ करवाऊंगा। तो मित्रों, इसमें जो है ERAC और ELPS दोनों का प्रयोग हो रहा है। ERAC आपको हर शिक्षण योजना में प्रयोग करना है और ELPS आपको गणित की शिक्षण योजना में अवश्य करना है। आइए हम आपको अगली कक्षा की तरफ ले चलते हैं। ये लीजिए मित्रों, आपके सामने पेश है गणित की शिक्षण योजना कक्षा 3। मैंने कक्षा 3 में एक पाठ लिया है, एक चैप्टर लिया है, मापन और मुद्रा, मेजरमेंट एंड मुद्रा। मुद्रा मीन्स रुपीज़। मित्रों, इन शिक्षण योजनाओं को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत किया है। शिक्षण योजनाएं इतनी आसानी से नहीं बनती। आप मेरे चैनल पर हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और जब आप मेरा वीडियोस देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत है, मेरा जो लगन है, वो जो है कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो रहा है। तो मित्रों, ध्यान से देखिएगा, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप अपनी खुद की शिक्षण योजना बना सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 3, मापन और मुद्रा। मैंने इसमें लर्निंग आउटकम लिया है। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? अनुमान लगाना और उसको गणितीय समझ के अनुसार पुष्ट करना। बच्चे अमानक इकाइयों का प्रयोग करके विभिन्न बर्तनों की धारिता की तुलना करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मानक इकाइयों का प्रयोग करें, हो सकता है कि किसी बर्तन में पानी भरा हो तो उसको 2, 3, 4 बोल के भी उसकी तुलना कर सकते हैं। लीटर बोलने की ज़रूरत नहीं है, लीटर वो जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन वो तुलना करना जानते हैं।
बच्चे रुपए और पैसे पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। ये तीन हमने इसमें लर्निंग आउटकम ले रखे हैं, अपेक्षित दक्षताएं हैं। अब देखते हैं इसको कैसे क्रियान्वित किया जाए ताकि ये हमारी शिक्षण योजना में समाहित हो जाए। तो चरण वही हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। पहला चरण है एक्सपीरियंस, गतिविधियाँ और क्रियाकलाप, समय, बैठक व्यवस्था आप देख रहे हैं। चलिए हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इस गतिविधि में मेरे सामने कुछ विकल्प हैं। मैं बच्चों से लंबाई, समय, संख्या का अनुमान लगवाऊंगा। उदाहरण के लिए संख्या का अनुमान लगवाने के लिए मैं दो वस्तुएं, बीज, कंकड़ इत्यादि एक डिब्बे में मिलाकर बच्चों के सामने रखूंगा। पहले बच्चों को अनुमान लगाना है कि डिब्बे में कुल कितनी वस्तुएं होंगी। इसके बाद चर्चा करूंगा कि अगर एक कंकड़ का मूल एक है और एक बीज का मूल 10 के बराबर है तो कुल डिब्बे का मूल कितना होगा। सभी बच्चे अपना अनुमान अपनी कॉपी पर लिख लें, फिर डिब्बी खोली जाए और गिना जाए। समय 15 मिनट और बैठक व्यवस्था है पूरी कक्षा। ये तो उनके पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान और अवधारणाओं पर निहित है। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्शन, चिंतन। बच्चों से सवाल या समूह में करूँगा, अनुमान कैसे लगाया, किसका अनुमान सबसे करीब था, पहले और दूसरे कार्य में से किसमें अनुमान लगाना आसान था। बच्चे कुछ तो जवाब देंगे, यानी उनके अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है। समय 15 मिनट और समूह है छोटा समूह। फिर तीसरा है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। अब मुझे ये देखना है कि बच्चों को मैंने जो दो स्टेप में सिखाने की कोशिश किया, उनके अंदर जो डेवलप करने की कोशिश किया, क्या वो उसका अनुप्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं। पहले की तरह ही बच्चे इस बार फिर से अनुमान लगाएंगे। इस बार पिछला कार्य छोटे समूह में प्रतियोगिता के रूप में दोहराया जाएगा। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो एप्लीकेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए 10 मिनट का टाइम है और पूरी कक्षा है, दो समूह में मैंने कक्षाओं को बांट दूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंसोलिडेशन, निष्कर्ष या समेकन। अब हमें अपनी कक्षा का समेकन करना है। क्या दूसरी बार लिखने में पहले के मुकाबले आसानी हुई, ऐसा क्यों हुआ, अनुमान लगाने की प्रक्रिया जीवन में कहाँ इस्तेमाल होती है, खेल के समय या खाना बनाते समय। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसके माध्यम से जो है मैं समेकित करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि हमारी शिक्षण योजना सफल रही या नहीं। इसके लिए 10 मिनट का टाइम है और इसमें पूरी कक्षा को मैं लगा दूँगा। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरी कक्षा की मैं शिक्षण योजना बताने चल रहा हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, ये शिक्षण योजना मैं ERAC गतिविधि आधारित शिक्षण योजना बना रहा हूँ। ये पाठ योजना नहीं बना रहा हूँ, पाठ आधारित शिक्षण योजना नहीं है। पाठ आधारित शिक्षण योजना में भी यही होता है, लेकिन उसके चरण होते हैं कि कक्षा के प्रारंभ में, यानी शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में, गृह कार्य और उसके बाद आगामी योजना, यही उसके चरण हैं। और लगभग चार चरण मेन उसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ठीक है। ये दोनों ही तरह की शिक्षण योजना आप बना सकते हैं। ये गतिविधि आधारित शिक्षण योजना है जो गतिविधियों पर पूरी तरह से बेस्ड है, और दूसरी वाली जो है वो पाठ आधारित शिक्षण योजना होगी जो पाठ पर बेस्ड होगी, बुक्स पर यानी किताबों में जो लिखा हुआ है उस पर आधारित होगी। आइए हम अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 4 और पाठ का नाम है गणितीय संक्रियाएं तथा तालिका और ग्राफ। और इसके लिए मैंने लर्निंग आउटकम्स लिया है। बच्चे अपने दैनिक जीवन में आंकड़ों का उपयोग जानते हैं, बच्चे अपने विभिन्न कार्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत करते हैं, बच्चे परिवार, गाँव, खेत, बाजार, यातायात आदि पर प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। आइए हम इनके चरणों को देखते हैं। अब हम चरण के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहले से ही कर चुका हूँ। पहला चरण है मैं और बच्चे मिलकर गतिविधि के लिए एक विषय चुन लेंगे। उदाहरण के लिए अगर एक क्रिकेट मैच का आयोजन चुना गया हो तो मैं पहले बच्चों से एक तालिका में घटने वाली पूरी प्रक्रिया को
क्रमिक रूप से लिखवा लूँगा। प्रत्येक आइटम के सामने उसमें लगने वाला समय लिखा जाएगा। यह कार्य पूरी कक्षा मिलकर बोर्ड पर करेगी या फिर हर कोई अपनी अपनी कापी में लिखेगा। इसके लिए समय है 10 मिनट, बैठक व्यवस्था है एकल। आइए अगले चरण पर ध्यान देते हैं। क्योंकि काफ़ी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, अब हर प्लान में ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है रिफ्लेक्शन या चिंतन, बच्चों से सवाल या समूह में होगा। क्या कोई ज़रूरी बिंद छूट तो नहीं रहा? क्या हर आइटम के लिए सही समय चुना गया है? इनमें से किन कार्यों को अकेले करना होगा और किसको मिलकर? किन कार्यों में अनुमति लेनी होगी? किन कार्यों में पैसे लगेंगे? यानी यहाँ पर बच्चे अब रिफ्लेक्शन करेंगे, चिंतन करेंगे। इसके लिए 15 मिनट का समय है और समूह होगा छोटा समूह। फिर थर्ड है एप्लीकेशन अनुप्रयोग। ऊपर के दो चरणों में जो कुछ बताया गया, क्या वो बच्चे उसका अनुप्रयोग कर पा रहे हैं? आपको यहाँ पर इसका आकलन करना है, इसके लिए आपको बनाना है। बनाई गई टाइमलाइन के अनुसार अगर एक बजट तैयार करना हो तो कैसे होगा? इसका अभ्यास बच्चों से करवाएंगे। तालिका में एक नया कॉलम बनाकर हर एक आइटम के आगे उसमें होने वाला अनुमानित खर्च लिखा जाएगा और सभी आइटम्स की गणना करते हुए बजट बनाएंगे। यानी ये अनुप्रयोग हो गया, इसके लिए समय 10 मिनट है और समूह जो है वो एकल है। फिर अगला पॉइंट आता है, अगला जो चरण है वो चरण है चौथा, निष्कर्ष या कंसोलिडेशन, समेकन। क्या बजट पहले बनाना चाहिए था या बाद में? इस प्रक्रिया को इस रूप में करने से क्या फ़ायदा होगा? अपनी ज़िंदगी में और किन मुद्दों के लिए ऐसी टाइमलाइन और बजट तैयार किया जा सकता है? यानी मैक्सिमम चीज़ें हम बच्चों से क्वेश्चन करके, उनसे संवाद स्थापित करते करके, उन्हें बोलने का मौका दे करके जो है, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दे करके हम जो है अपनी शिक्षण योजना को बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो शिक्षण योजना होगी उसमें जो शिक्षक की बात है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 5 से 10% हो सकती है। बाकी जो है बच्चों की जो क्रियाशीलता है, आपको मालूम है कि 75 से लेकर के 80-85% तक हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने 10 मिनट का टाइम लिया है और जो समूह होगा वो पूरी कक्षा एक साथ रहेगी। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कक्षा 5 की। कक्षा 5 में भी मैंने ये चैप्टर लिया है, संख्याएं और संख्या पद्धति, समय और कैलेंडर। यानी इस पर आधारित मैंने शिक्षण योजना बनाया है, आप इसको भी देख लीजिए। लर्निंग आउटकम्स हैं इसके, किसी जगह, व्यक्ति, घटना, प्रक्रिया, दृश्य, चित्र का वर्णन संख्या का उपयोग करते हुए करना। बच्चे 9999 तक की संख्याओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बच्चे घंटे व मिनट वाली घड़ी को देखकर समय बता पा रहे हैं। बच्चे समय कैलेंडर के प्रयोग पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। यानी ये चार तरह की जो है मैंने यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स ले रखा है, जैसा कि पाठ का नाम है। अब हमको जो है अपनी शिक्षण योजना में इन चारों चीज़ों को डेवलप करना है बच्चों के अंदर, और ये देखना है कि क्या बच्चे जो है इन चारों चीज़ों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं या नहीं। तो पहला चरण है, जैसा कि आपको मालूम है, एक्सपीरियंस अनुभव। मैं बच्चों से एक गणितीय लेख लिखने को कहूँगा। हर वाक्य में एक संख्या होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरे दोस्त, मेरी सहेली पर निबंध लिखना हो तो उसमें कुछ वाक्य आ सकते हैं, जैसे मीना का वजन 28 किलोग्राम है, इसके बस्ते में 4 किताबें हैं, इसके 2 छोटे भाई हैं, इसकी शर्ट में 5 बटन हैं, इसकी पिछली परीक्षा में 80% नंबर आए। इस तरह के 3-4 वाक्यों का उदाहरण दूंगा। समय 10 मिनट, बैठक व्यवस्था एकल है। फिर बात आती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में देखिए क्या करना है आपको। रिफ्लेक्शन में है चिंतन में, बच्चों से सवाल या समूह में होगा। सबसे ज़्यादा वाक्य किसने लिखे? निबंध लिखते समय क्या सोचने में मुश्किल आ रही थी? क्या यह निबंध सामान्यतः लिखे जाने वाले निबंधों में से कुछ अलग था? क्या निबंध किसी अन्य विषय के बारे में भी लिखा जा सकता है? ऐसा सवाल पूछने पर बच्चे कुछ ना कुछ तो उत्तर देंगे, उनके अंदर चिंतन विकसित होगा। और इसके लिए समय है 15 मिनट और समूह है छोटा समूह। फिर थर्ड है, पहले की तरह ही बच्चे इस बार फिर एक लिखें, लेकिन इस बार विषय बदल दिया जाएगा। उदाहरण, सुबह का खाना कितना खाया, कितने बजे खाया,
कितने मिनट में खाया, इसी तरह के किसी विषय पर बच्चों को लिखने को कहा जा सकता है। तो यहाँ बच्चे अनुप्रयोग करेंगे, अपने आप कुछ करके सीखेंगे। तो 10 मिनट का टाइम है और यहाँ पर जो बैठक व्यवस्था है वो एकल है। फिर लास्ट जो है चरण इसका है चौथा, कंसोलिडेशन निष्कर्ष या समेकन। क्या दूसरी बार लिखने में पहले के मुकाबले आसानी हुई, ऐसा क्यों हुआ? अगर किसी चीज़ के बारे में गणितीय लेख लिखना हो तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे और किन मुद्दों विषयों पर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम जो है अपने शिक्षण योजना का समेकन कर लेंगे और इसके लिए समय है 10 मिनट और इसमें भी पूरी कक्षा इन्वॉल्व रहेगी। तो मित्रों, इस तरह से शिक्षण योजनाएं आपको बनानी है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप दो तरीके से शिक्षण योजना बना सकते हैं, एक पाठ आधारित शिक्षण योजना और पाठ से निकलने वाली लर्निंग आउटकम्स, और दूसरा गतिविधि आधारित शिक्षण योजना यानी गतिविधियों से निकलने वाले लर्निंग आउटकम्स। कुल मिलाकर के आपको विद्यालय परिसर में जो कुछ भी करना है वो किसी न किसी योजना के तहत करना है और उस योजना में बच्चों के अंदर किसी न किसी प्रकार का लर्निंग आउटकम्स विकसित हो रहे, इस बात को आपको ध्यान देना है। चाहे वो प्रार्थना सभा हो, चाहे वो आपका मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हो, चाहे वो आपकी कक्षा शिक्षण का समय हो, यानी हर समय आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, ताकि योजनाबद्ध तरीके से जब काम करेंगे और आप योजना जो बनाएंगे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ से लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए, कुछ ना कुछ दक्षताएं आने चाहिए जो आपको बच्चों में विकसित करना है। यानी आपका मिनट टू मिनट, स्कूल का एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप विद्यालय में रहें, आपके शरीर से, आपकी आँखों से, आपकी वाणी से, आपके रोम रोम से कोई ना कोई लर्निंग आउटकम्स निकलना चाहिए जो सीधे जा कर के बच्चों के मस्तिष्क से टकराए और बच्चे जो है उस लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करके सुख का अनुभव करें और उनका जो जीवन है वो उज्जवल बन सके, ऐसी मेरी आशा है और आपके लिए शुभकामना भी है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे ये बार बार कहना पड़ता है, ठीक है, हर यूट्यूबर कहता है और मैं भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई शिक्षण योजनाएं लेकर मैं आपके लिए आता हूं। मैंने कहा है आपसे कि कक्षा एक से लेकर आठ तक के प्रत्येक विषयों की शिक्षण योजना मैं बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े या जो भी परेशानी हो। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।